गाइस तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो आज की क्विक वीडियो जल्दी से मैं बना देती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कितना कमाती हैं, क्या कमाती हैं, यूट्यूब से कितना कमाती हैं, इंस्टा से कितना कमाती हैं, फेसबुक से कितना कमाती हैं, आप तो काफ़ी मशहूर चल रही हैं, ये है वो है, वीडियो वायरल है, लाखों रुपये कमाती होंगी तभी इधर उधर जाती हैं, ऐसे वैसे ये वो बहुत सारी चीज़ें आप लोग करते रहते हो। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि देखो मेरी बात सुनो यार, ये जो है मैं जो भी कर रही हूँ ये मैं अभी से नहीं कर रही हूँ। 2017 मैंने ज्वाइन किया था यूट्यूब और उसके बाद से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हो गई थी। मेरी शादी से पहले से वीडियो बनाने का शौक था लेकिन सीरियस नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर आपको सीरियस होना पड़ता है, रोज़ाना व्लॉग्स डालने पड़ते हैं एंड बहुत सारी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ता है। तो अगर आप लोग देख रहे हो PR कैसे आते हैं, कैसे आपको ब्रांड अप्रोच करता है, कैसे सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होती है, तो उसके लिए बहुत सारी स्ट्रगल लगती है। जो लोग भी नए आना चाहते हैं उनको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप लोग पैसे के लिए आना चाहते हो तो मेरे भाई देखो एकदम से यहाँ पे ना लाखों रुपए नहीं टपकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। इसमें टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। सबसे पहले तो आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होना, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, अल्लाह ताला उसका सिला देता है। मैं 2017 से थी, मुझे मशहूर हुए हुए साल डेढ़ साल ही हुआ होगा, ठीक है, जो आप लोग माशाल्लाह इतना प्यार देते हो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हर जगह पे जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं वो सब इतना ज़्यादा प्यार देते हो, मैं जहाँ पर भी जाती हूँ हर जगह आप लोग मिलते हो, अपने व्यूज़ शेयर करते हो। सो बेसिकली जो वीडियोज़ होती हैं, जो PRs होते हैं, वो आपको ऐसे मिलते हैं जब आपकी वीडियोज़ खुद ब खुद ही वायरल होती हैं, आप मशहूर होते हो, तो आपको जो है वो ब्रांड खुद अप्रोच करते हैं, खुद आपको मैसेज करते हैं, आपको DM आ जाता है इंस्टा पे फेसबुक पे, हम आपको इस इवेंट पे बुलाना चाहते हैं, जैसे मुझे अवार्ड्स मिले, जैसे मुझे TV चैनल्स ने बुलाया, GTV पे मैं गई थी, आज चैनल पे मैं गई थी, इसके अलावा भी दो चार चैनल्स बुलाना चाहते थे लेकिन मैं नहीं जा सकी, डर गई थी मैं उनकी बातों से, क्योंकि मेरा कंटेंट ऐसा होता है और उनके सवालात ऐसे होते हैं। तो बहरहाल वो खुद अप्रोच करते हैं, जब आप मशहूर हो जाते हो, जब आपकी वीडियोस वायरल हो रही होती हैं, दुनिया देख रही होती है, खुद ब्रांड आपके पास आता है PR पैकेज के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप खुद नहीं बोलते कि हमको ये चीज़ भेज दो, हमको वो चीज़ भेज दो, खुद वो रابطہ करेंगे आपसे। नंबर वन बात ये है कि सिर्फ और सिर्फ YouTube पे करता है, पाकिस्तान में आप किसी से भी पूछ लो, सर्च कर लो, पाकिस्तान में Facebook मोनेटाइजेशन ऑन नहीं है, Facebook पैसे नहीं देता, TikTok पैसे नहीं देता, Instagram पैसे नहीं देता, स्नैपचैट हो गया, दूसरी वीडियोस कुछ नहीं। गाइस अगर कोई आपको कह रहा है कि आप लोग यहाँ से लाखों कमा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं, झूठ 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 झूठ, एक रुपया ये प्लेटफॉर्म्स नहीं देते, सिर्फ आपको YouTube पैसे देता है, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो कि YouTube पे मेरे व्यूज़ कितने हैं, आप अंदाज़ा लगा लो कि मैं कितना कमा रही होंगी। देखो मेरे भाई, कमाना वमाना ये सारी चीज़ें देखो मेरे लिए ना, मैं तो ये शौक में शुरू किया था और अभी भी अल्लाह का शुक्र है मैं, क्योंकि मुझे एक आदत थी एक टाइम से, आई वॉज अ वर्किंग वुमेन, तो मेरा ये था कि भैया कुछ करना है, शुरू से मशहूर होने का शौक था, अपना नाम कमाने का शौक था, तो मैंने उस हिसाब से स्टार्ट किया। पैसों की किसको ज़रूरत नहीं होती, मुझको भी ज़रूरत होती है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, चीज़ें आती हैं, दूसरी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अगर ये आप अगर एस्टिमेट में बोलो ऐसे लाखों रुपये, ऐसा कोई सीन अभी नहीं है बॉस। अच्छा, जब आप मशहूर हो जाते हो, वीडियो वायरल हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं, तो इंस्टाग्राम फेसबुक जब आपकी प्रमोशंस लेता है, जब आपको प्रमोशंस देता है कि भाई आप ये हमारा प्रोडक्ट ले लो, तो वो आप पे कर सकते हो, वो पेड होती है, आप उनको कहते हो ठीक है मैं आपकी इसकी वीडियो बनाने के मैं इतने पैसे लूंगी, इस वीडियो बनाने के मैं इतने पैसे लूंगी, लगाने के मैं इतने पैसे लूंगी और पोस्ट लगाने के मैं इतने पैसे लूंगी, इस तरह से आपको ये सारे पैसे मिल रहे होते हैं, ठीक है। आपको ऐप पे नहीं करता, यूट्यूब के अलावा इंस्टा फेसबुक और टिकटॉक ये सब आपको पे नहीं करता है, ब्रांड्स आपको पे करते हैं, वो जब जब आप अपना एक मुकाम बना लेते हो तब ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो लोग भी नए आए हैं 110% मोर देन वेलकम, जो भी मेरे से हो सकेगा मैं करूंगी, आप लोग इस वीडियो के कमेंट्स में लाजमी अपना लिंक छोड़ देना, मैं बिल्कुल उनको प्रमोट भी करूंगी, सब करूंगी मैं, बस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे मुझे भी सपोर्ट रहेगी, मैं भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, जितना हो सकेगा मैं भी ये आप लोगों को सपोर्ट करूंगी। तो भाई आपने करना ये है कि आपने अपने नाम के साथ अपना लिंक शेयर करना है, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब और 3 लोगों से और सब्सक्राइब करके मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे स्क्रीनशॉट भेज दो, फ्री में आप लोगों की प्रमोशन करूंगी, 100% करूंगी, ना करूं तो बोलना, ठीक है, लेकिन एक एक करके यार, मतलब ऐसा ना हो, बहुत सारे लोगों तो थोड़ा टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं मेरी जान, ये जो है ना वो कमाई है, ये सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दी, जो पैसे देता है मैंने आपको वो चीज़ भी बता दी, जो पैसे नहीं देता मैंने आपको वो चीज़ भी बता दी। अगर पैसे को देखकर आओगे कोई चीज़ में लालच करोगे तो कभी भी कुछ भी नहीं होगा बाखुदा, ठीक है। अगर आप ऐसे आते हो कि यार मुझे कुछ करना है, मैं मुझे मेहनत करनी है, उसका सिला अल्लाह ताला देगा, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला, बेशक अल्लाह ताला मेहनत करने वालों के साथ है, मेहनत करने वालों का सिला अल्लाह ताला देता है, जब आप हसद नहीं करते हो, जलन नहीं करते हो, किसी के माल पर नाजायज़ नज़र नहीं रखते हो, अगर आप दूसरों की खुशियों में खुश होते हो ना,
तो कसम खुदा की अल्लाह ताला आपके लिए ऐसी ऐसी आसानियां पैदा करता है, आप शॉक्ड हो जाओगे। मुझे क्या था, मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी अजान वाली, बेटा मैं तुम्हारी माँ माँ माँ, फिर मेरा सास बहु वाला जो है कंटेंट मशहूर हुआ, फिर जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ आप लोग को अच्छी लगती है, ये सब टाइम टेकिंग है। मैं मेहनत करती रही, मुझे एक वक्त था नहीं कोई पूछता था, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी मैं कहती हूँ मैं सक्सेसफुल, तो बहुत दूर की बात है, बस आप लोगों का प्यार है। जहाँ जाती हूँ आप लोग मिलते हो मुझे, इतने सारे मैसेज करते हो, इतनी सारी लड़कियाँ मुझे इतनी दुआएं देती हैं, इतनी सारी आंटीज़ हैं जो मेरे बच्चे को, मेरे शौहर बच्चे को, मेरे शौहर को इतना प्यार देती है। तो भाई टेंशन नहीं लेने का, आना मेहनत करना, अल्लाह ताला कब कहाँ कौन सी वीडियो वायरल हो जाए, कब कहाँ कौन मशहूर हो जाए, कुछ नहीं पता, करते रहो मेहनत करते रहो, बस ये वाली बात है। आई होप आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हूँ इस वीडियो में। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सब्सक्राइब 3 लोगों से करवा के मुझे स्क्रीनशॉट यहाँ पर भेज दो, आपको फ्री प्रमोशन मिल जाएगी इंशाल्लाह। गाइस जाते जाते कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो मैं इसमें ऐड ऑन कर देती हूँ। देखो जो भी न्यू यूट्यूबर बनना चाहते हैं या ब्लॉगर्स बनना चाहते हैं या वीडियोज़ बनाना चाहते हैं तो वो लोग आ सकते हैं अपना दिल बड़ा लेकर। टाइम आप लोगों को लगेगा लेकिन इंशाल्लाह अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, फॉर एग्जांपल इतने सारे लोग बोलते हैं कि यार हमारी प्रमोशन कर दें, यूट्यूब की प्रमोशन कर दें, मैं आप लोगों को एक बेस्ट टिप देना चाह रही हूँ जो मुझे लोगों ने दी थी लेकिन मैंने नहीं मानी, जिसकी वजह से मेरा यूट्यूब उतना सक्सेसफुल नहीं हो सका। स्टिल आप देखो मेरे यूट्यूब पर जो फॉलोवर्स हैं वो उतने नहीं हैं, कितने लोगों ने मेरे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे जो है ना वो 3 लाख होने वाले हैं इंस्टा पे, 3 लाख फेसबुक पे होने वाले हैं, मेरा स्नैप वीडियो स्नैपचैट बाकी मेरा टिकटॉक सब चीज़ें मिला लो अगर आप, तो मेरे 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर्स हैं माशाल्लाह। मेरी इंस्टाग्राम की रीच बहुत अच्छी है, 10 मिलियन रीच होना बहुत बड़ी बात होती है। फेसबुक पे मेरी 35 मिलियन रीच है लेकिन लोग कितना फॉलो करते हैं यूट्यूब। यूट्यूब पे सक्सेसफुल होने का राज ये है, एक तो अल्लाह ताला जो चाहे है ना, कभी कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात ये मैं आप लोगों को बता दूं कि देखो पहले आप इंस्टाग्राम पर आओ, पहले आप टिकटॉक पर आओ, पहले आप स्नैक वीडियो पर आओ, फेसबुक पर आओ, वहाँ पर थोड़ा सा अपनी जो है ना वो जान पहचान बनाओ, फॉलोअर्स गेन करो अच्छे से। जब वहाँ पर लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, देखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आप में इंटरेस्ट लेते हैं। हमारे बहुत सारे सक्सेसफुल यूट्यूबर्स जो अभी हैं वो टिकटॉक से आए हुए लोग हैं, तो वो माशाल्लाह इतने ज़्यादा फेमस हैं, उनको लोग खुद सर्च करते हैं। तो आप लोगों को मैं एक बात बताऊं, यूट्यूब पे डायरेक्ट आप अगर आते हो तो इतना इजी नहीं होता, पहले आप अपनी ऑडियंस बना लो, उसके बाद फिर आप यूट्यूब पर आओगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, मेरे लिए इतना आसान नहीं था, मतलब आप लोग को मैंने एक बार अपनी बताई थी जर्नी, मैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसी बंदी हूँ कि यार टिकटॉक मेरा पूरा अकाउंट, मिलियन वाला अकाउंट मेरा डिलीट हो गया था जो मेरी वीडियो वायरल हुई थी, मैंने ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट किया। गर्मी बहुत है, पंखा चला के ही मैं वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा सा जो उसका शोर है ना वो आप बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि मैं ज़्यादातर फ़ैन ऑफ कर देती हूँ लेकिन इस वक्त नहीं कर सकती, लेकिन मेरी आवाज़ आप लोग को आ रही होगी यार, ठीक है। तो एक तो मैंने ये बता दिया, दूसरा मैं बता रही हूँ कि देखो आप ना अपने अंदर इतनी ज़्यादा मोटिवेशन रखो लाइफ में कि अगर आपके फॉलोवर्स नहीं बढ़े, दिन हो जाएंगे, महीने हो जाएंगे, हफ्ते हो जाएंगे, शायद साल हो जाए, तो लेकिन आपने डिसाइड नहीं होना, आपने करते रहना है। अगर आपका कंटेंट लोगों को पसंद आएगा ऑटोमेटिकली लोग फॉलो करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे। मैंने भी बहुत साल मेहनत करी है गाइज, उसके बाद जाके मेरी वीडियोज़ वायरल हुई हैं, आप लोग को पसंद आने लगे। थोड़ा सा समझो ऑडियंस को, देखो वो क्या पसंद कर रहे हैं, आपकी कौन सी वीडियो पे ज़्यादा रीच आ रही है, कौन सी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, उसी के साथ का उसी के टाइप का कंटेंट बनाओ तो वो आपको लोगों को ज़्यादा पसंद आएगा, सिंपल सी बात है। ये एक बेस्ट टिप है मेरी तरफ से, मेरे से जितना हो रहा है यार मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ, जितना हो सकता है मैं देखती हूँ कि जो लोग मुझे लगते हैं मैं प्रमोट भी कर देती हूँ, लेकिन देखो प्रमोशन से एक बार मैं कह दूँगी, दो बार मैं कह दूँगी, लेकिन जिनका कंटेंट अच्छा होता है ना फिर उनको कोई भी नहीं रोक सकता, तो वो वाली बात है। एंड मैं आप लोगों को एक और बात बताऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट वीडियोज़ बनाएं, उससे सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी गेन करते हो आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो आप लोग अपलोडिंग करो तो उससे अच्छा होता है। क्वालिटी क्वांटिटी ये सब ख़त्म हो चुकी है। मैं आपको एक बात बताऊँ, जितने भी यूट्यूबर्स हैं हर कोई आईफोन यूज़ नहीं कर रहा, सबके पास नॉर्मल फ़ोन्स भी हैं, तो मैं आपको बताऊं कोई बड़े अच्छे कैमरों से भी बनाते हैं व्लॉगिंग करते हैं और कोई नॉर्मल कैमरे से भी, लेकिन किसी किसी के इतने हाई क्लास फ़ोन्स और हाई क्लास कैमरे फेल हो जाते हैं उनके आगे जिनका कंटेंट अच्छा होता है। कंटेंट अच्छा है तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। मेरे पास इस वक्त फ़ोन है जी सैमसंग गैलेक्सी 5G S5G, ये मेरा फ़ोन है जो मैं यूज़ करती हूँ, तो इतना कोई वो बहुत वाओ फ़ोन नहीं है लेकिन उसके बावजूद इसी से बनाती हूँ। मुझे काफ़ी अरसा हो गया है, मेरी शादी पे ये मुझे दिया था मेरे हस्बैंड ने,
सही आई वाला फ़ोन यूज़ कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नहीं, शादी के बाद मेरे पास आईफोन 11 था, लेकिन मैंने बोला नहीं मुझे आईफोन 11 तो चाहिए ही नहीं, 12 चाहिए, 13 चाहिए। उसके चक्कर में फिर मैंने वो वाला जो है ना मुझे नहीं पसंद आया था, बैटरी का इशू था, तो मैं ये वाला यूज़ करती थी। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, क्वालिटी पे तो वर्क आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए एक मुकाम पे पहुंचना पड़ेगा। जब आपको अच्छी पेड प्रमोशंस मिलेंगी तो उनकी डिमांड भी होगी कि भाई हमें इस तरह की वीडियो आप बना कर दो, तो वो ठीक है, लेकिन वो एक वक्त आएगा। स्टार्टिंग तो करनी है ना, स्टार्ट तो लेना है ना कहीं से, स्टार्ट में तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो जो है उसी से करते रहो, बनाते रहो, बस ये वाला सीन है यार। आई होप अब मेरी सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी।